700 परिवारों को मिला मालिकाना हक। रीवा में जनसंपर्क मंत्री ने स्कीम 6 के वार्ड क्रमांक 25 और रिफ्यूजी कॉलोनी के निवासियों को बांटे पट्टे। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रीवा शहर में जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 700 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। यहां सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में स्कीम नंबर 6 के तहत वार्ड नंबर 25 रिफ्यूजी कॉलोनी और चिरहुला कॉलोनी के परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किए हैं। इससे 700 बेघर लोगों को उनके मकान और जमीन के पट्टे मिले हैं। बताया गया कि नगर निगम की स्कीम नंबर 6 में 1992 में 59 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसमें से 32.34 एकड़ जमीन छोड़ दी गई थी। इस जमीन पर सैकड़ों परिवार बसे हैं, इनके पास मालिकाना हक नहीं है। राजेंद्र शुक्ल के लगातार प्रयासों से अगस्त माह में इस जमीन को डिनोटिफाई किया गया। राजस्व अधिकारियों ने लगातार परिश्रम करके परिवारों के जमीनों के अधिकार पत्र तैयार किए, सभी को मिला संपत्ति का अधिकार। शुक्ल ने कहा कि आज स्कीम नंबर 6 और रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले परिवार अपने मकान और जमीन के वास्तविक मालिक बने हैं। उनके पास अपनी संपत्ति का अधिकार पत्र उपलब्ध है। मुझे जितनी खुशी, बांध सागर बांध बनने, सफेद बाद की वापसी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने, बाईपास के लोकार्पण और हवाई अड्डे के भूमि पूजन के समय हुई थी, उतनी ही खुशी आज हो रही है। डिनोफिकेशन का प्रस्ताव पारित कर बाधा दूर। स्कीम नंबर 6 की समस्या को हल करने के लिए कई साल से प्रयास किए गए, नियमों और कानूनों में उलझाकर कई बाधाएं खड़ी की गई, लेकिन जब आम जनता का हित हो तो उसकी हर बाधा मिटाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सहयोग से तमाम बाधाएं दूर कर कैबिनेट में डिनोफिकेशन का प्रस्ताव पारित किया गया। लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि कितना बड़ा काम हुआ है, अब कोई जमीन से बेदखल नहीं करेगा। आप लोग 30 से 40 वर्षों से जिस जमीन पर रह रहे थे उसके अधिकार पत्र आज आपको प्राप्त हो गए हैं। अब आपको कोई जमीन से बेदखल करने के लिए डरा धमका नहीं सकता है। चिरहुला कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी की जमीन में बसे परिवारों को भी आज पट्टे दिए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हाल ही में 127 परिवारों को पट्टे दिए गए हैं। स्कीम नंबर 6 के निवासियों का डर दूर हुआ। सांसद शेष परिवारों तथा औद्योगिक क्षेत्र के आसपास बसे परिवारों को भी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। जमीन के पट्टे मिलने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के घर मिल सकेंगे। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि आज स्कीम नंबर 6 के निवासियों का डर दूर हुआ है, उन्हें जमीन और घर के मालिकाना हक मिले हैं। यह बहुत कठिन कार्य था, लेकिन मंत्री जी ने लगातार प्रयास करके इसे पूरा कराया है। राजस्व अधिकारियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीन स्तरों के पात्र परिवारों को पट्टे प्रदान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि आधरणा अधिकार अधिनियम के तहत तीन स्थलों के पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। इन स्थलों में अब कोई निवासी अवैध नहीं रहेगा। शासन की मंशा है कि हर आवासहीन परिवार को आवासीय भूमि का अधिकार पत्र दिया जाए, उसी के अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। स्कीम नंबर 6 को डिनोटिफाई कराने तथा भू अधिकार पत्र तैयार करने की सभी बाधाओं को दूर करने में माननीय मंत्री जी ने लगातार मार्गदर्शन और सहयोग दिया। शेष परिवारों को सर्वेक्षण जारी। राजस्व विभाग की टीम ने भी कड़ी मेहनत करके पात्र परिवारों का सर्वे कर आवश्यक अभिलेख तैयार किए। स्कीम नंबर 6 के शेष परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है, इनमें से भी सभी पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। समारोह में पार्षद कैप्टन एसआर नापित, पार्षद संजू सिंह और पार्षद वीरेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए, मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में मनगवा विधायक मनगवा पंचूलाल प्रजापति, निगमा युक्त संस्कृति जैन, एसडीएम अनुराग तिवारी सहित स्थानीय नेता व बड़ी संख्या में लाभार्थी परिवार उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।